नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। चंद्रमा जब किसी भी व्यक्ति की कुंडली में दशम भाव में बैठे हों, यहां पर हम बात अकेले चंद्रमा की कर रहे हैं। जब भी किसी भी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा दशम भाव में बैठे हों तो वो चंद्रमा क्या प्रभाव देगा, दशम घर में चंद्रमा का बैठना कितना शुभ है, दशम भाव में बैठना कितना अशुभ है, जीवन के किस क्षेत्र में ये चंद्रमा हमें खुशियां और परेशानी दे सकता है, ये सारी जानकारी मैं लेकर आपके समक्ष आया हूँ। अपनी जन्म कुंडली खोल के देखिए और उसमें आपको पता चल जाएगा कि चंद्रमा दसवें घर में बैठा है तो आपके लिए ये जानकारी है, वरना आप अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए भी इस जानकारी को ले सकते हैं। ये कुंडली आपके सामने आ गई, ये दसवां घर है, इस दसवें घर में चंद्रमा बैठा हुआ है, ये आपको दिखाई पड़ रहा है। अगर आपकी कुंडली में इस भाव में चंद्रमा बैठा है तो आप ध्यानपूर्वक चीजों को समझना शुरू कर दीजिए। दशम भाव कर्म का भाव है, यानी कि हम जो नौकरी व्यापार जिससे हमारी जीविका चलती है, और दशम भाव के बिल्कुल सामने चौथा घर है, जहां पर अभी देखिए चार नंबर लिखा हुआ है, ये चौथा घर हो गया। ये घर है, कुटुंब है, सुख है, तो वही घर बहुत अच्छा चलता है जिसके घर में अच्छा पैसा आए, उस घर के लोग अच्छे से काम करें, तो वो उस घर में सुख शांति रहती है। और जिस घर में सुख शांति रहती है उस घर में काम करने वाले लोग अच्छा काम कर पाते हैं, उनकी काम में परफॉर्मेंस अच्छी होती है। तो दसवां घर करियर का घर है, यानी पेशे का घर है, जो आपका पेशा है। दसवें घर में चंद्रमा का होना यानी आपके कार्यस्थल में चंद्रमा का बैठना। दसवें घर में चंद्रमा जब भी बैठता है तो ऐसे व्यक्ति को मान्यता मिलती है, लोकप्रियता मिलती है, लेकिन चंद्रमा दसवें घर में हो तो व्यक्ति को लोकप्रियता और अपने आप को दुनिया में छा जाने के लिए पूरी कोशिश भी करनी पड़ती है, यानी कि भाग्य से नहीं मिलता है, कोशिशों से ऐसा व्यक्ति समाज में अपने कार्य से, अपनी प्रतिभा से ऐसा व्यक्ति लोकप्रियता पाने की पूरी कोशिश करता है और इस कोशिश में वो सफल हो जाता है। यानी व्यक्ति के अंदर इच्छा जागृत होती है कि मेरा नाम भी ऊंचाइयों पर जाए, और ऐसा व्यक्ति भाग्य भरोसे अगर बैठ जाए और मेहनत ना करे तो फिर परिणाम वैसे नहीं होते जैसे आप चाहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति अगर समाज में आगे बढ़ने की ठान ले और मेहनत करना शुरू कर दे तो वो व्यक्ति वहां पर पहुंच जाता है, इस बात की भी आपको चंद्रमा गारंटी देते हैं। दसवें घर में चंद्रमा ये बताता है कि व्यक्ति का निजी जीवन यानी कि जो उसकी पर्सनल लाइफ है वो जो होगी वो उसमें कम इंटरेस्ट रखेगा, उससे ज्यादा वो अपने पेशेवर जिंदगी में ज्यादा ध्यान केंद्रित रखेगा। ऐसा व्यक्ति जिसका चंद्रमा दसवें घर में हो वो अपनी पर्सनल लाइफ से ज्यादा नौकरी और व्यापार को प्राथमिकता देता है। कमजोर चंद्रमा कार्य क्षेत्र में बाधाएं भी पैदा करता है, तो यहां पर हम एक अच्छे और मजबूत चंद्रमा की बात कर रहे हैं। तो दसवें घर में जिसका चंद्रमा है, अगर उस व्यक्ति से ये कहा जाए कि तुम घर के लिए सब्जी ले आओ या घर का ये काम कर दो, और उसी क्षण में अगर बॉस कहे कि तुम मेरे लिए कोई और काम कर दो या नौकरी से जुड़ा हुआ कोई काम है, तो ऐसा व्यक्ति घर के काम को बाद में करेगा, पहले पेशेवर जिंदगी वाले काम को पहले करेगा। भले पेशेवर जिंदगी का काम कल भी हो सकता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर का काम टालकर पहले पेशेवर जिंदगी यानी नौकरी या व्यापार से जुड़ा हुआ काम करेगा या करेगी। तो दसवें घर में जब भी चंद्रमा होता है तो हर तरीके से शनि से प्रभावित होता है, क्योंकि दसवां घर शनि का घर है। तो यहां चौथा घर बिल्कुल सामने पड़ता है, तो चौथे घर से जुड़ा हुआ है दसवां घर, जैसा मैंने आपको प्रारंभ में बताया। तो जिस पर चंद्रमा का अधिकार है, किस पर अधिकार है, चौथे घर पर, और उसके सामने क्या है दसवें घर में, ये आप देख रहे हैं कुंडली, जहां पर चार लिखा हुआ है यहां पर चंद्रमा का अधिकार है, जहां पर दस लिखा हुआ है यहां पर चंद्रमा बैठा हुआ है, यानी चंद्रमा अपने घर से दूसरे शनि के घर में बैठे हुए हैं। तो दशम भाव में चंद्रमा लंबा जीवन देता है व्यक्ति को, यानी लंबी आयु देता है।
चंद्रमा और शनि का मेल नहीं है, दोनों शत्रु हैं एक दूसरे के, इसलिए जिसका चंद्रमा दशम भाव में बैठा हुआ है वो व्यक्ति तरल दवाएं, तरल दवाएं मतलब लिक्विड, जैसे जो बोतल में दवाई होती है जिसको हम चम्मच से या फिर पीते हैं जिन दवाइयों को, ऐसी दवाइयां अगर वो खाता है तो उसका असर उसको कम होता है। इसकी बजाय अगर वो व्यक्ति टैबलेट खाए, गोली खाए, तो उसको ज्यादा असर होगा। और अगर ऐसा व्यक्ति बीमार है तो उसको लिक्विड दवाइयां ज्यादा जल्दी असर करेगी और उसकी सेहत अच्छी होगी और उसको फायदा भी जल्दी होगा। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, अगर आप बीमार हैं और आपका चंद्रमा दसवें घर में है तो आपको क्या करना है, आपको तरल दवाएं खाना फायदेमंद साबित नहीं होगा, आपको टैबलेट खानी चाहिए, समझ गए आप, गोलियां खानी चाहिए। तो चंद्रमा और शनि का मेल नहीं है, इसलिए चंद्रमा दशम भाव में व्यक्ति को तरल दवाएं यानी जो भी लिक्विड दवाइयां होती हैं वो कम खानी चाहिए, बल्कि तरल दवाएं फायदेमंद साबित नहीं होगी, बल्कि गोली खाना ज्यादा असरकारक होगा। मैंने आपको दो बार रिपीट कर दी ये बात। रात में दूध पीना या शनि की चीजों का दूध के साथ सेवन करना, जैसे बादाम वगैरह, हानिकारक सिद्ध होगा जिसका चंद्रमा दशम घर में बैठा है। अगर आप डॉक्टर हैं तो रोगी को टैबलेट दें, अगर आप डॉक्टर हैं तो रोगी को टैबलेट लिख के दें, लिक्विड दवाई अगर आप लिख के देंगे तो आपके मरीज तब भी ठीक होंगे, लेकिन अगर आप गोली लिख कर देंगे, टैबलेट लिख कर देंगे, तो आपके मरीज जल्दी ठीक होंगे और आपकी दवाई भी बहुत ज्यादा असर करेगी, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आप आजमा के देख लीजिएगा इस बात को। अगर आप कोई भी प्रकार के सर्जन हैं, किसी भी प्रकार की सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो आपका नाम और आपका काम दुनिया में नाम पैदा करेगा, विख्यात होगा, यानी आपको लोग पहचानेंगे आपके काम से, यानी कि प्रसिद्धि मिलेगी आपको, यानी जो भी सर्जन है, जो भी ऑपरेशन करते हैं। यदि दूसरा और चौथा घर खाली हो तो धन वर्षा होगी। ये देखिए कुंडली आपके सामने है, चंद्रमा दसवें घर में बैठे हैं, ये द्वितीय भाव है, इस द्वितीय भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है और चौथे घर में भी कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, तो समझ लीजिए आपके जीवन में पैसों की कमी नहीं रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं, शनि संबंधी काम खूब अच्छे चलने वाले हैं, जो भी शनि से संबंधित काम और व्यापार या नौकरी होती है उसमें आपको काफी सफलताएं मिल जाएंगी। सरकार के द्वारा धन प्राप्ति के योग बनेंगे। राजनीति से ऐसे व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। अगर आप किसी छोटे या बड़े चुनाव में हार जाते हैं तो समझ लीजिएगा कि आपका चंद्रमा अशुभ है, आपको उपाय करने की आवश्यकता तुरंत है। दसवें घर का चंद्रमा जिस भी व्यक्ति का होता है, महिला का हो या पुरुष का हो, तो ऐसा व्यक्ति अपना व्यापार ज्यादा बार बदलता है, यानी कि अगर आप देखेंगे कि पिछले 5 साल की हिस्ट्री उठाएंगे तो एक व्यक्ति जिसका चंद्रमा किसी अन्य भाव में है तो उसने अपना व्यापार 1 या 2 बार बदलाव किया या बदला, लेकिन जिसका चंद्रमा दसवें घर में है वो व्यक्ति इन 5 सालों में अपने व्यापार को 10 बार बदल चुका होगा या होगी। तो दसवें भाव का चंद्रमा जिसका भी होता है वो अपने व्यापार को जल्दी जल्दी बदलता है, आज ये तो कल वो तो परसों ये। अगर मित्र ग्रह गुरु या सूर्य या मंगल भाव नंबर 4 में बैठे हैं, अगर मित्र ग्रह गुरु सूर्य या मंगल खाना नंबर 4 में बैठे हैं, देखिए खाना नंबर 4 है, तो धन वर्षा होगी, पैसों से मालामाल होंगे आप, यानी चौथे घर में मित्र ग्रह गुरु सूर्य या मंगल या तीनों में से कोई एक बैठा हुआ है खाना नंबर 4 में, ये कुंडली भी साथ साथ देखते जाइएगा, और चंद्रमा दसवें घर में बैठे हैं तो धन वर्षा होगी यानी पैसा आएगा। परेशानियों को कम करने के लिए रात में उबला हुआ दूध, यानी कि देखिए रात में 12 बजे डेट चेंज हो जाती है, तो जो आज का दूध है, मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने 10 तारीख की सुबह 8 बजे अपने घर में 2 लीटर दूध उबाला और उस दूध को हमने कंज्यूम किया, अब थोड़ा सा दूध बच गया मान लीजिए 0.5 लीटर, तो हम क्या करते हैं कि वो दूध अगले दिन सुबह इस्तेमाल कर लेते हैं, जब सो के उठे, पीने में, चाय बनाने में, कॉफी बनाने में। तो आपको ये नहीं करना है,
12 बजे यानी डेट चेंज हुई, उस दूध को या तो खत्म कर दीजिए या तो उसका कुछ और करिए, जो करना है सो करिए, या आपको नहीं पीना है अगर आपका चंद्रमा दसवें घर में, तो आपको अगले दिन सुबह वही दूध पीना है जो ताजा कच्चा दूध आया है जिसको आप उबालकर पिएंगे। यानी एक दिन पुराना दूध का सेवन करना किसी भी रूप में आपके लिए परेशानियों का या चिंताओं का कारण बनेगा। अगर आप ये निरंतर करते आ रहे हैं तो थोड़े दिन गैप डाल के देखिए, 10-15-20 दिन महीना आपकी चिंताएं परेशानियां काफी कम होती हुई नजर आएंगी। छोटा सी बात अगर आप मान लीजिए, इसमें ना कोई पैसा लगना है ना कुछ लगना है, बस बासी दूध नहीं पीना है या उसका इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसा व्यक्ति सामान रखकर या कोई भी चीज रखकर अक्सर भूल जाता है, थोड़ा भुलक्कड़ स्वभाव का होता है या होती है, उसे याद नहीं रहता, थोड़ा भूल गया फिर 2 घंटे बाद याद आ गया। धार्मिक स्थल की यात्रा करना आपके लिए लाभकारी होगा। चंद्रमा दशम घर में शनि चतुर्थ भाव में और शुक्र लग्न में हो, फिर से ध्यान से सुनिएगा और कुंडली भी देखते जाइए, चंद्रमा दशम में, शनि चतुर्थ में और शुक्र लग्न में हो, तो ऐसा व्यक्ति माता पिता का साथ नहीं पाता है, माता पिता से उसकी दूरी बनी रहती है। अगले पॉइंट की तरफ अगर बढ़े तो चंद्रमा दसवें घर में बुध व शनि के साथ हो या उससे दृष्ट हो, यानी कि कोई भी संबंध बन रहा हो, तो या तीनों ग्रह एक साथ हो या फिर चंद्रमा बुध व शनि से किसी भी प्रकार का संबंध बना रहा हो, तो तीनों ग्रहों का फल यानी चंद्रमा का फल, बुध का फल और शनि का फल कमजोर हो जाएगा। ये तीनों ग्रह अपने आप में आपको रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, चाहे ये कितने भी बलवान क्यों ना हो, परेशानियां आएंगी। यानी कि फिर से समझिए बात को कि चंद्रमा दसवें घर में बैठा है, बुध व शनि का अगर उनसे कोई संबंध बन रहा है या वो तीनों एक साथ बैठे हैं, तो तीनों ग्रहों का फल कमजोर हो जाएगा और जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी। ये थोड़ी सी चर्चा हमने करी चंद्रमा के दशम घर में बैठने पर। अब आप समझ गए होंगे कि इंसान को परेशानियां क्यों आती हैं। ऐसे बहुत सारे अन्य भी कारण हैं, उसमें भी हम वीडियो बनाएंगे। अब एक वीडियो में इतना ज्ञान दिया है, बाकी में दूसरी वीडियो में और जानकारी देंगे। तो उपाय क्या करना है, ऐसे लोगों को विधवा औरतों से दूरी बनाकर रखनी है। जो औरतें विधवा होती हैं उनसे बहुत ज़्यादा संपर्क ना रखें तो बेहतर होगा। रात में आपको दूध नहीं पीना है, जैसे कि मैंने बताया, और शनि से संबंधित चीज़ें नहीं खानी हैं। रात में अपने हाथ से किसी को कोई दवा नहीं देनी है, चाहे लिक्विड हो या गोली हो, कुछ नहीं देना है। शराब, अंडे, मांस का परहेज करना है। और मैंने फिर कहा कि इन सब बातों पर अगर आपने ध्यान दिया और इस बात मेरी बातों को दिमाग में बिठा लिया, तो काफी हद तक आप अपनी जिंदगी को सुधार पाएंगे। अगली वीडियो में हम अगले ग्रह की बात करेंगे और इसके आगे के जो और कारण होते हैं जिससे चंद्रमा प्रभावित होते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। तो आप भी अगर परेशान हैं और आपको ये सब चीजें समझ में नहीं आती हैं, या ये जो मैंने बातें बताई, हो सकता है उससे कोई और अलग बात आपकी कुंडली में हो, तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी ग्रह आपको पैसा दे भी सकता है, सफलता दे भी सकता है और ले भी सकता है। तो आप अपनी कुंडली की जांच करवा सकते हैं। लाल किताब के माध्यम से आपको बहुत सारी अन्य जानकारियां और भी प्राप्त हो जाएंगी आपके जीवन के बारे में। अब चंद्रमा यहां पर हम अकेले बैठे हैं, हमने उसकी बात करी। अब इसके साथ जो अन्य ग्रह बैठेंगे तो वो एक अलग विषय हो जाएगा। तो यहां पे हमने सिंगल यानी अकेले चंद्रमा की बात करी है। हरिओम, नमस्कार।